सुखबीर ये बताएं, आपकी फीमेल फैंस कुछ कम हुई हैं या अभी भी उसी स्पीड से चल रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से स्पीड सेम ही है भाजी। स्पीड सेम ही है, तो कट नहीं हो रही, पता नहीं क्या कट नहीं हो रही है। हाँ जी, तो हैंडलिंग कोई आसानी हुई है या वो भी मुश्किल ही हाल है? नहीं नहीं, हैंडल तो भाजी पंजाबी लोग हैं, ऐसी बड़ी अच्छी तरह नाल कर लेंगे हैंडल। किस तरह किस तरह? एक तो पहले अंगूठी दिखा दी है भाजी की, देखो जे इन्ना ना मने तो फिर असि बस दूरी रख दे। तो ये यानी कि अंगूठी की ताकत इतनी है, ये जो लॉर्ड ऑफ द रिंग आपने पहनी हुई है, 50% कम कर देना है। 50% बाकी 50% वो असी फिर गलबात नाल मना लेते हैं। आप इतनी क्यों हसरत से देख रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं sorry, क्यों? सॉरी, मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरी मेहंदी पे आए। आप पहले मेहंदी करने वाली तो बने। हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। तो कब की, वैसे कब तक का प्रोग्राम है? उनको मैं डेट्स तो उनकी लू ना। आने वाले 5 साल में कभी भी। अगले 5 साल में कभी भी? कभी। यानी 5 साल वो बैठे रहे स्पेयर आपके लिए? नहीं, एक हफ्ता पहले बता दूंगी। ये एनर्जी स्कूबी इतने सालों से कैसे, हाउ डू यू मेंटेन दिस? आई थिंक पंजाबी के खून के अंदर ही होता है, यू नो, पंजाबी म्यूजिक जब चालू होता है तो एनर्जी खुद ब खुद निकल आती है। आई मीन द म्यूजिक इज सच, आपको भी नचा दिया होगा। बिल्कुल, टोल जब बजता थे फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। डेफिनेटली, मगर ये एक बड़ा मतलब, यू नो, वी हैव सीन यू लाइक दिस फॉर सो मेनी इयर्स। आई मीन, डू यू डू सम काइंड, या सिर्फ ये अपने गानों पे नाच नाच के फिटनेस मेंटेन हुई है, या कोई खास करते हैं इसके पीछे? नहीं, मैं वैसे कुछ एक्सरसाइज तो नहीं करता। नहीं करते? बड़ी कोशिश की थी पर नहीं होती। बड़ी पंजाबी बंदे है, खान पीन का बड़ा शौक है। मैं वेजिटेरियन है। अच्छा, तो कोई नेगेटिव बैड इन्फ्लुएंसेस नहीं है? नो स्मोकिंग, नो ड्रग्स, वेरी क्लीन लाइफ। मैं कहना जी, इन सब्जियां खाने में खाने तो बाद आवाजा होनी, गाजरा खा लो, मूलियां खा लो, जांडी बार का किया खादा है मैं। लेकिन एक बात बताएं कि आपने उनको कह तो दिया, कोई आपकी नजर में है? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। इंतजार है बस। लेकिन वो नजर साहब ने कहा मेरा इंतजार है लगता है इनको। मैंने पर नहीं, देखो वाले की बात की है। आप नहीं, आप हंस क्यों रही हैं इस बात? शर्मा रही हैं या हंस रही हैं? शर्म आ गई मुझे। किस किस्म का आप ढूंढ रही हैं लाइफ पार्टनर? अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, रिच होना चाहिए। इसी स्मगलर में शादी कर लो। अच्छा, उन्हें हमने तो दो फिल्में भी बन रही हैं जिसके अंदर आप अदाकारी के जोर दिखा रही हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कबीर है फिल्म, कबीर कबीर, दूसरी है अब कभी नहीं। अब कभी नहीं? हाँ, अब कभी नहीं। तो ये आप इसके अंदर हीरोइन आ रही हैं? जी, दोनों के अंदर। तो एक्टिंग वगैरह का, यानी कि आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली या सिर्फ वैसे सब एक्सपीरियंस से ऑन द जॉब सीख रही हैं? नहीं, ट्रेनिंग ऐसे कोई नहीं ली। मेरे ख्याल से कर लेती हूँ जब डायरेक्टर मुझसे एक्टिंग करवा लेते हैं। मुझे खुद भी शौक है। शौक है आपको एक्टिंग करने का? मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज एक मिनट रुकिएगा, आप जरा प्लीज जरा खड़ी होइए, हम आपका अभी शौक पूरा कर देते। प्लीज इफ यू विल, मोहसिन भाई जरा आप भी आइएगा। आप देखिए, ये एक खूबरू लड़का है, ठीक है, जिससे आपको मोहब्बत है, ठीक है, ये आपको इससे मोहब्बत है। और आपने जी, इनके वालिद साहब ये हैं जो कि ये यानी कि बड़ा एक खलंडरा लड़का है, क्योंकि आप एक अरबपति, आप बड़े सेल्फ मेड आदमी। आप मुंह के सामने पैसे दियो मैनू। सिकलौते लड़के को ना मोहब्बत होगी इस लड़की से, ऐसे नाल भी होगी तेनू। आपने कन्विंस करना है, क्योंकि लड़का खुद बहुत घबराता है, ठीक है, तो आपने कन्विंस करना है अपने होने वाले ससुर को कि वो शादी की इजाजत दे दें, ठीक है। तो चलिए आप सामने आइए, और ससुर अच्छा। ससुर है आपको वो, और ये लड़का है। एक्शन। मैं अपने अबू की इजाजत के बगैर शादी कर नहीं सकता, तो आपको उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। उन्होंने मुझसे इतने वादे क्यों किए? बात तो करके देखिए उनसे, प्लीज। नहीं, तुमने मुझसे इतने वादे क्यों किए? क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अबू मान जाएंगे, आप खूबसूरत हैं, तो इसलिए। चलो मैं बात करती हूँ, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? दूर से, अबू के पास ना जाएं ज्यादा। मामा कहते उच्चा कह। आपसे बात करनी है। क्या बात करनी, बताओ। अंकल, मुझे आपके बेटे से बहुत प्यार है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं। एक कोई हो तुसी? हम दोनों की शादी करवा दीजिए ना बेटा। हमेशा याद रखो जी, सियाने कहते बीवी ते गड्डी और रखो, जिदे कोल खड़ोते मालक लगो। ਚੱਕ
ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੱਸ ਬੱਲੀਏ ਜਾਂ ਕਰੋ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਦੋ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੀਏ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। रेचल, हमने कुछ अर्सा पहले कुछ ऐसी खबर भी सुनी थी कि आपका कुछ क्रिकेटर के साथ कुछ एक बड़ा मसला पड़ गया था, क्या सदाकत है इस खबर में? सदाकत ही थी और वो तो यू नो लाइफ में तो इंसिडेंट होते रहते हैं। कौन से क्रिकेटर थे? मुझे नहीं याद। इतनी जल्दी भूल जाती हैं आप? मैं भूल जाती हूं। कितने गेंद होंगे ने उनकी पता लगता है, मगर फिर भी कोई मतलब कोई आपको याद नहीं है? मेरी याददाश्त खो चुकी है। मैंने सुना शायद कामरान अकमल थे। आई डोंट नो, रहने दे अब मैं क्या इस टॉपिक पे बात करूं। तो वैसे हुआ क्या था? एक हादसा था। चलान नहीं हुआ था? नहीं, वो तो उमर अकमल था, वो कामरान अकमल की बात कर रही है। अच्छा, अच्छा। मेरे ख्याल से मैं तो खैर उसको उनको डिस्कस नहीं करूंगी। कोई भी इंसान जैसे कि इन्होंने बात की है कि औरत की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मेरे ख्याल से थप्पड़ तो क्या जाहिर है, बेइज्जत। थप्पड़? आप थप्पड़ मारा हुआ आपने किसी? कुछ भी उसके साथ हो सकता है। अच्छी जो कौमें होती हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, ख्वातीन की इज्जत करते हैं, तो मेरे ख्याल से हम सबको, आप सबको ख्वातीन की इज्जत करनी चाहिए। नहीं, मगर प्लीज देखिए क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत आपने एक एम्बिगुअस सी बात कर दी और आप फिर लोग खुद स्टोरी बनाए कि क्या ये थप्पड़ कहाँ से आ गया बीच में, हमें तो पता ही नहीं थप्पड़ का। चलो इन्हें मार दो, तरसान क्यों डे? खैरी से इंटरेस्ट है आपको तो कुछ सुनाइए ना प्लीज। अब मुझे याद नहीं है कुछ भी। याद क्यों नहीं है कुछ भी? ऐसे आपके ऐसे याददाश्त का बड़ा एक वो इशू चल रही है ना। मैं सुना देता हूँ, अखा में अखा पा के हस बदिए या करो मां का जेवर लै दो मैं चलिए। जी जी, आपकी नजर आने लगा शेर। माना कि तुम हसी हो मगर इस कदर नहीं जितना कि मेरी दीद ने तुम्हें बना रखा है। वाह वाह, I'm doing great, baby. Hey, how you doing, dude? I'm good. Everything is going well. Yeah. Actually, Babasi Chowdhury. Yeah. I need help. What kind of? You know what happened? What happened? I've done every type of song. Really? Okay. But I'm failing Bhangra. Oh. Oh. Yes, I need koi aisa banda tera dost hove. Oh. Aapki kismat bahut achhi hai, fabulous. Why? Because today we have got the best Bhangra singer with us, Sukhbir. Wow, Sukhbir Singh. Yes. My goodness, he's the big singer. Yeah. We are Salan Sharif 10 gaane gaaye. Magar woh tino alag kar chal rahe hain. To ek kaam kar. Welcome back to Muzakarat. Ji, to Sukhbir, will start with you. इनमें से कौन सा सिंगर आपका फेवरेट है, मीका सिंह या हनी सिंह? मीका सिंह। इनमें से आपको सबसे ज्यादा सुरिया सिंगर कौन लगता है, सजाद अली, शफकत अमानत अली या राहत फतेह अली खान? राहत जी। इनमें से किसके साथ हीरो आना चाहेंगे, कतरीना कैफ, करीना कपूर या दीपिका? दीपिका। एनी स्पेसिफिक रीजन? कद बराबर है, आई लव हर। ये बताएं इनमें से डुएट किसके साथ करना चाहेंगे, नेहा कक्कड़ या कनिका कपूर? कनिका कपूर मेरी दोस्त है, उसके साथ ही। हाँ जी। किस एक्टर के लिए प्लेबैक करना चाहेंगे, फवाद खान, सैफ अली खान या फिर अक्षय कुमार? अक्षय कुमार। वाय, मेरा दोस्त है। दोस्तों के अलावा आप किसी के लिए कुछ नहीं करते? पुलिस साडे इलाके दा ना। ये बताएं सर, जिंदगी में कौन सा जुमला ज्यादा सुनने को मिला, आई लव यू, आई हेट यू? आई लव यू। बहुत सारी तालियां सुखबीर के लिए। जी मैडम, रेचल खान, 2020 देखा हुआ वैसे आपने पहले कभी? इनमें से आपका फेवरेट डिजाइनर कौन है, HSY, मारिया बी या नोमी अंसारी? नोमी अंसारी। इनमें से बेहतरीन मॉडल आपको कौन लगती है, मेरीन सैयद, सिबल चौधरी या नादिया हुसैन? कोई भी नहीं। इनमें से आपको कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा खूबसूरत लगती है, महवेश हयात, मायरा खान, आयजा खान या आयशा खान? आयजा इज बेटर। अगर फिल्म की ऑफर हुई तो किसके साथ हीरोइन आने चाहेंगी, फवाद खान, हमजा अब्बासी या फहद मुस्तफा? फवाद खान। ये बताया अगर लिफ्ट में बंद हो जाए तो किसके साथ सेल्फी लेके वहां से निकलना चाहेंगी, आसिफ अली जरदारी साहब, शेख रशीद साहब या राना सनाउल्ला? आसिफ अली जरदारी। ये बताया पाकिस्तान के सूबों के नाम क्या है? भूल गई हूं मैं यार, सूबों के नाम ही भूल गई है। आप कौन से सुबह में बैठी हुई हैं? पंजाब में। आपके दाएं जाने कौन सुबह है? सिंध, बलोचिस्तान। उसके बाएं जाने कौन सुबह है? सिंध, बलोचिस्तान, पता नहीं कौन कौन से हैं। कौन पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे, जनाब यूसुफ रजा गिलानी, जनाब शौकत अजीज, जनाब शहबाज शरीफ, जनाब जफरुल्लाह जमानी या फिर यूसुफ रजा गिलानी? पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे, बहुत सारे सवाल हैं। सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मुझे नहीं पता। ये यकीन करें सियासत से हमारा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो वजीर आजम होता है उसको सुनना पड़ता है। अभी नवाज शरीफ है, मैं अभी नवाज शरीफ है, इससे पहले कौन से? मुझे नहीं याद। खामन रूप स्टेशन दे, ये मेरा खामन नहीं है, किसने कहा?
रेडी 1 2 3 4 जानजनी जना कर दिन जानजनी जना कर दिन तागड़ दी तागड़ दी तागड़ आ कर दिन ना मियां ज़रब नीर गोली ओए ओए आज यार मेरे देने से गल आई है क्या बिकॉश मैं भी कुछ 4-5-6 MA किते होंदे क्यों ते आज मैं DIG होंदा देखो ना जी अपना सदर पाकिस्तान नहीं अपना चौधरी शुजात साहब नहीं ममनून हुसैन साहब हां ममनून हुसैन साहब आजकल भी होई ने जी ते अगले साल भी होई रहेंगे जी नहीं ते जरदारी साहब भी त्याग है ना वो वेले बैठे रहेंगे नहीं वो आप नहीं है ना पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं आप भाई हमारी पुलिस वालों की क्या लैफ है यानी हम सड़कों पे हो तो आवाम गालियां देती है घर चले जाए तो बीवियां गालियां देती है भाई जाए तो जाए आप जरा उस तरफ नजर दोहराएं और मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं किसी दिन उमर कमल साहब ने ना अच्छा परले जड़े बैठे ने लेडीज ने जी ओ आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट इदा की मतलब मैं माफी चाहता हूं मैं तेरे को माफी चाहना मैं सच तो ना जी देखया नहीं सी ए मेरी आंख जड़ी है ना ए मेरी नहीं ए नजर दी है मगर जरा साथ तो नजर लो रहा है लो ये तो वो शख्सियत है जिनको मैं जानता ही नहीं एनकों से एन के जब टकराएंगी तो मजा आ जाएगा ये मेरे अंदाजे के मुताबिक बुला रहे हैं आई थिंक सो एन के टकराए जरा सुखविंदर सिंह बेदी सुखबीर सिंह एंड ही इज अ बिग भंगड़ा फनकार तो काम क्या करते हैं भाईजान अबे सिंगर है वो नहीं नहीं वो तो हैं लेकिन खाते पीते कहां से हैं अभी गाने शाने तो शौक होता है ना कीनिया दे रेलवे स्टेशन दे नबीने बन के मांग दे शादी शुदी बच्चे बच्चे सब ओके खैरियत से हैं मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपको जिंदा देख लूं लो लाइव देख लूं ते अपना बाजी और भी गांदे बरजाई गा रही के नहीं आजकल वो अलग हैं और वो अलग गेस्ट हैं उनकी शादी नहीं हुई अभी तक अच्छा बाजी और अलग है जी ते भाईजान ने रियलाइज ने जी ते इकट्ठा किस कीता हमने हम सिर्फ गेस्ट हैं ओ ना पहले उनको लड़का नहीं मिल रहा तुम ऊपर से बातें किए जा रहे हो ये क्या कह दिया आपने ये क्या कह ये क्या कर रहे हो देखे जे मेरे मसल मैंने ना उन्होंने को अच्छा उन्होंने नहीं देखे नहीं सारा कुछ तो मैं थोड़े वास्ते कर इधर देखो उधर नहीं ओ डीजे ओ कर ओ मैं चुकी हूँ दार सोन मिलगोली इसका फायदा नहीं है उनको एक बहुत खूबसूरत एक बहुत अमीर इंसान चाहिए जो कि तुम नहीं हो यार बड़े अफसोस की बात है पता नहीं आपका यानी वो कानून जो आपकी हिफाजत करता है आपको खूबसूरत नहीं लगता रचल आपको कोई इसमें अट्रैक्शन नजर आई जो इन्होंने इतना डिस्प्ले किया बहुत अच्छे हैं हैंडसम है हैंडसम है ओ पार के अरे इन्होंने मेरी आंखें नहीं देखी हैं अच्छा जी हां हूं देखना जरा अपना डीजे इफ यू डोंट माइंड हां जी एक सेल्फी लेनी यार इजाजत उनसे पता कि शी इज माय वाइफ वो नहीं मानती कि मैं मजाक रात में गया था सेल्फी की इजाजत है जी बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सर तो उनके साथ लेनी थी ना नहीं वो मेरी वाइफ माइंड करती है ना